हमारे टंकी पे चढ़े, धरना प्रदर्शन हुए, कनक दंडवत भी चले, खून से हमने पत्थर लेके अर्धनग्न हुए और हमने मुंडन तक किया। सरकार क्या क्या आखिर करवाना चाहती है, लेकिन सरकार को हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि 5 जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें प्रत्येक युवा मित्र ने जिम्मेदारी लेकर प्रत्येक विधानसभा में हम 1000 युवा मित्रों को उतारेंगे और भाजपा का विरोध करेंगे। इनकी कथनी और करनी में अंतर है, इसको हम गांव गांव ढाणी ढाणी में प्रत्येक लोग को बताएंगे कि जहां एक तरफ मोदी जी की गारंटियों की बात करते हैं, उसके दूसरी तरफ 5000 परिवारों के पेट पे लात मारते हैं सिर्फ एक राजनीतिक दुर्भावना बस। अगर आपको राजीव गांधी नाम जुड़े होने से तकलीफ थी तो इन बेरोजगार युवाओं से आपको खुंदक निकाल देते, आप नाम चेंज करके और अच्छी योजनाएं लाओ ताकि हम तो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते। लेकिन आप इस राजनीतिक दलदल में इन युवाओं को खींच रहे हैं, ये कतई गलत है। हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार युवा विरोधी सरकार है। आप जल्द ही हमारी बहाली नहीं करते हैं, मुकदमे वापस नहीं करते हैं, तो आने वाले बाय इलेक्शन में इन 5 सीटों पर आपको मुट्ठी खानी पड़ेगी, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान का इतिहास रहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, किशोर जवानी चलती है, किशोर जमाना चलता है। करीब करीब 6 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन भजनलाल सरकार बनने के बाद भी कुछ लोगों की जो पीड़ा है, जो दुख है, वो अभी तक दूर नहीं हो पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी युवा मित्रों की, जिनको भजनलाल सरकार बनने से पहले यानी कि पिछले साल दिसंबर माह में बेरोजगार कर दिया गया था या उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। तभी से ये लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, कई मर्तबा धरना प्रदर्शन ये कर चुके हैं। सरकार के लगभग हर मंत्री तक ये जाके ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री तक मिल चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। जानेंगे इनसे कि अभी कहां तक इनकी बात पहुंची और सरकार से इन्हें अभी लास्ट क्या कुछ आश्वासन मिला। भाई साहब, कई मरतबा पिछले 6 महीनों में आपने धरने प्रदर्शन भी कर लिए, कैबिनेट के हर मिनिस्टर से आप मिल चुके हैं, क्या आपको आश्वासन मिला और अब आगे क्या करेंगे? देखिए, ज़्यादातर हम सभी लोगों से मिल लिए, सभी जगह ज्ञापन दिए, सभी बीजेपी के पदाधिकारियों से, विधायकों से, मंत्रियों से हम मिले और मिल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो मंत्री विधायक हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आपके ऊपर काम चल रहा है, जल्द ही आपकी बहाली करेंगे। और मुकदमों के बारे में भी कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्द ही आपके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं उनकी समीक्षा करवा कर और मुकदमे हटाने का काम भी हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन निश्चिंत रहे तो कहाँ तक, आखिर वो हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, क्योंकि ये राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं। एक तरफ तो आपकी सरकार ने कहा था कि जैसे ही हमारी बीजेपी सरकार बनेगी हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री जी का नाम नियुक्त होने के बाद पहली कलम आपकी बेरोजगारों को, युवाओं को बेरोजगार करने पर चली और 25 दिसंबर को आपने कलम चलाकर एक आदेश निकाला कि 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवा 31 दिसंबर से निरस्त की जाती है। अगर आपको राजीव गांधी नाम जुड़े होने से तकलीफ थी तो इन बेरोजगार युवाओं से आपको क्यों खुंदस निकाल रहे थे, आप नाम चेंज करके और अच्छी योजनाएं लाओ ताकि हम तो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते। लेकिन आप इस राजनीतिक दलदल में इन युवाओं को खींच रहे हैं, ये कतई गलत है, क्योंकि समूचे युवाओं में ये मैसेज गया है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार युवा विरोधी सरकार है, जिसका नतीजा आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि आपको 11 सीटों का नुकसान हुआ है। और मैं तो साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि अगर आप जल्द ही हमारी बहाली नहीं करते हैं, मुकदमे वापस नहीं करते हैं, तो आने वाले बाय इलेक्शन में इन 5 सीटों पर आपको मुक्की खानी पड़ेगी, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा और आने वाले पंचायत समिति व जिला परिषद नगर पालिका के चुनाव में भी आपकी हालत खस्ता हो जाएगी, आप अपनी सीटें गिनते रह जाओगे। क्योंकि मैं कह देना चाहता हूँ, राजस्थान का इतिहास रहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल, इन्होंने कहा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनावों में इसका जो दुष्परिणाम है, जो युवाओं के साथ धोखा किया है, वो झेल चुके हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आप एक गृहिणी हैं, आप घर चलाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब आपके हाथ में रोजगार नहीं है, कितनी मुश्किल आपको लगती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमें, और हम जयपुर में हमें 7 महीने हो जाएंगे। पहले 72 दिन हम धरने पे दिए और उसके बाद में कई बार हम अधिकारियों मंत्रियों के पास आते हैं और
तब से आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है कि हमारा कुछ हो रहा है। बस अभी आश्वासन देते हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे, बहुत बार किया है और अब और करना चाहेंगे कि वो जल्दी से हमारी बहाली का आदेश निकाले और हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे। और हमारे वजह मतलब हम तो परेशान हो रहे हैं, पीछे हमारा पूरा परिवार भी परेशान हो रहा है, बच्चे हैं हमारे सब परेशान होते हैं। और आपको पता है कि अभी तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी यही है बेरोजगारी। रोजगार देने का वादा करके बेरोजगार किया है सरकार ने, जो बहुत ही गलत है। और अभी जो भी युवा है सभी बहुत आक्रोश में है और मतलब वो सरकार इसका काफी एक विशेष बात यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के भुगतान के लिए 34% आरक्षण की बात की, तो पिछले बजट में भी इसका प्रावधान किया गया था। हमारी वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री महिला है, राजस्थान की वित्त मंत्री महिला है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफी कुछ घोषणाएं हुई है, तो उन घोषणाओं को लेकर क्या आप दोबारा मिले थे? आप इतने लाख युवाओं को, इतनी महिलाओं को आप रोजगार देने जा रहे हैं, लेकिन हम जानते सिर्फ 5,000 लोग हैं, हमें योजना इस बारे में हमारी काफी बार चर्चाएं हुई है, लेकिन बता रहे हैं ना कि भाई कोई ध्यान नहीं है। सब मतलब पॉलिटिक्स में हमें घसीट रखा है युवाओं को। मैं तो यही कर, मैं तो महिला और उसकी बात नहीं कर रही, बट रोजगार तो सभी को चाहिए, सभी के लिए जरूरी है भी रोजगार, क्योंकि महिलाओं के लिए भी है तो फिर मतलब पुरुष के लिए भी है, तो रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ रोजगार के लिए पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि रोजगार होगा तो सब कुछ होगा, नहीं तो देखो अत्याचार जो भी है, अन्याय है या चोरी डकैती, ये सब बेरोजगारी ही बढ़ाएगी। अगर बेरोजगार युवा होगा तो डिप्रेशन में आएगा और उसके मन में गलत विचार आएंगे, मतलब जो भी है वो गलत धारणाएं भी उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले तो रोजगार पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रोजगार दे युवाओं को और इस ओर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ और युवा मित्र भी हमारे साथ हैं, आपके ऊपर केस दूर हो चुके हैं, अभी मंत्री ने बताया कि भाई रोजगार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजों तो बाद में भी हो जाएंगी। अब अंडी करीब 7 महीने हो चुके हैं, अब अपने इस आंदोलन को कहाँ तक है? देखिए सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लें, हमने इस 7 महीने के दौर में हमारे टंकी पे भी चढ़े, धरना प्रदर्शन हुए, कनक दंडवत भी चले, खून से हमने पत्थर लेके अर्धनगन हुए और हमने मुंडन तक किया। सरकार क्या क्या आखिर करवाना चाहती है, लेकिन सरकार को हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि 5 जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें प्रत्येक युवा मित्र ने जिम्मेदारी लेकर प्रत्येक विधानसभा में हम 1,000 युवा मित्रों को उतारेंगे और भाजपा का विरोध करेंगे। इनकी कथनी और करनी में अंतर है, इसको हम गांव गांव और ढाणी ढाणी में प्रत्येक लोग को बताएंगे कि जहां एक तरफ मोदी जी की गारंटियों की बात करते हैं उसके दूसरी तरफ 5,000 परिवारों के पेट पे लात मारते हैं सिर्फ एक राजनीतिक दुर्भावना बस। क्योंकि अगर इनको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो आप इनको अटल युवा मित्र बनाओ, इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बनाओ, लेकिन इनको रोजगार यथावत रखना चाहिए। आज इन 5,000 परिवारों का क्या कसूर है? अगर ये हमें कांग्रेसी ठहराते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ भजन लाल जी कि इस आपके कार्यकाल में अगर जो भर्तियां होंगी तो क्या वो पूरे भाजपा के कार्यकर्ता ही नौकरी लगेंगे क्या? तो आप इसको कांग्रेस भाजपा में नहीं घसीटे, ये राजस्थान के युवा हैं, इनको रोजगार चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। तो इनके रोजगार के लिए काम कीजिए, आप भी एक सामान्य परिवार से निकले हुए व्यक्ति हो, आप हमारी परिस्थितियों को अच्छी तरीके समझ सकते हो। हमारा साथी राजकुमार गुप्ता जो दौसा का है, सिर्फ नौकरी नई भर्ती में लगा था, 3 महीने की नौकरी छूट जाने के बाद में ऐसा सदमा लगा जो मौत हो गई थी उसकी, लेकिन फिर भी ये सरकारें सुन नहीं रही हैं। उसके बाद में नौकरी मांगने के ऊपर उल्टा हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए, जबकि जब हमारे कुछ साथी आवेश में आके पानी की टंकी पर चढ़े तो सरकार के सीएम साहब के मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ सियाग जी, बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब जो पुलिस कमिश्नर हैं, जयपुर के कलेक्टर हैं प्रकाश राजपुरोहित जी और प्लानिंग डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव हैं नवीन जैन जी, इनके बीच हमारा समझौता हुआ, डेलीगेशन हुआ, उसमें यह तय किया गया था कि विकसित राजस्थान युवा मित्र के तौर पर आपको बहाल किया जाएगा आचार संहिता के बाद, दूसरा आपके ऊपर किसी तरह के मुकदमे नहीं लगाएंगे। लेकिन 16 मार्च को समझौता होता है, 18 मार्च को हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं 9 धाराओं में, जिसमें 307 का क्या किसका मर्डर कर दिया हमने, जो इस तरीके के संगीन केस लगाए, सिर्फ आंदोलन को कुचलने के इन्होंने प्रयास किए हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं हम डरने वाले नहीं है, उस उपचुनाव में हम इनको जवाब देंगे। बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहना है युवा मित्रों का कि हम डरने वाले नहीं, और तमाम जो इन लोगों से वादे और दावे किए गए थे इस सरकार ने उन वादों और दावों को भी खोखला साबित कर दिया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि 16 मार्च को समझौता हुआ था और 18 मार्च को इनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे दायर कर दिए गए हैं, 307 की धारा में ये एक मुकदमा बता रहे हैं। इनका साफ तौर पर हमने भी किसकी हत्या कर दी और हमारी वजह से किसे
जान का खतरा है जो इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा लगाया। कुल मिला के बात यह है, इन युवा मित्रों की जो पीड़ा है वो यही है कि आपने केंद्र के बजट में, राज्य के बजट में लाखों लोगों को रोजगार देने की बात कही है, हमारी संख्या तो सिर्फ 5,000 ही है। तो इनकी सरकार से, भजनलाल जी मुख्यमंत्री से यही गुहार है कि जल्द से जल्द इन 5,000 बेरोजगारों को रोजगार दे, इन्हें वापस से मुख्य धारा में लाए ताकि इनका भी परिवार पल सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।